गुड मॉर्निंग आई डियर स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव कम्प्लीटेड अवर टॉपिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड वेस्ट डिस्पोजल्स. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजिंग वेस्ट. ओके, मोस्ट ऑफ द वेस्ट कैन बी पुट टू यूज इन सम फॉर्म और द अदर. ज़्यादातर कचरों को हम किसी ना किसी रूप में हमें उपयोग के लिए रखना चाहिए. ओके, उपयोग करना चाहिए. पॉइंट फर्स्ट, ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कॉम्पोस्टेड. द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी पुट इन अ कॉम्पोस्ट पिट इफ यू हैव प्लेस इन योर गार्डन. इफ यू डोंट हैव प्लेस, डिस्पोज इट सेपरेटली, समवन एल्स विल कंपोस्ट इट. ओके, हमें ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद के रूप में यूज करना चाहिए. अगर आपके गार्डन में, आपके बगीचे में कहीं कहीं पर हमें गड्ढे को खोदकर हमें उसमें कचरा डाल देना चाहिए. और कचरा क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो खाद बन जाता है और उसका यूज़ अपन कर सकते हैं. और अगर आपके पास कोई जगह नहीं होती है, कोई प्लेस नहीं होती आपके पास, अगर गार्डन नहीं है, तो आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसी को और को दे देना चाहिए जो कि उसका उसे खाद बनाकर यूज़ कर सके. ओके, पॉइंट सेकेंड, वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल शुड बी गिवन अवे टू द वेस्ट कलेक्टर्स और कबाड़ी वालास. अगर हम कचरे का वापस से यूज़ कर सकते हैं, वापस से उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल, पेपर, कागज, प्लास्टिक और कांच और धातुओं को हमें ऐसी चीज़ों, वेस्ट कलेक्टर और कबाड़ी वालों को दे देने चाहिए जो कि वापस से उसका यूज़ हो सके. ओके, पॉइंट थर्ड, टॉक्सिक वेस्टेज इफ़ एनी लाइक पेंट्स एंड केमिकल्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. अगर कोई जहरीले पदार्थ होते हैं जिससे कोई पेंट या केमिकल, तो उनका अलग से निपटान किया जाता है, उसे अलग तरीके से ख़त्म किया जाता है. फोर्थ, फॉलो दिस फोर आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट के फोर आर्स से हमें उनका पालन करना चाहिए. ओके, ए रिड्यूस, बी रिप्लेस, सी रीयूज, डी रीसाइकल. ओके, रिड्यूस कम करना. वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज बाय द फॉलोइंग वेज. हम कचरे को कम कर सकते हैं इन तरीकों से. फर्स्ट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू बाय एंड यू विल हैव टू थ्रो लेस. हमारे द्वारा खरीदी हुई चीज़ों को हम कम करेंगे तो हमें फेंकना कम पड़ेगा. हम कम चीज़ों को खरीदेंगे तो हमें फेंकना भी कम पड़ेगा, वेस्टेज भी हमारा कम होगा. पॉइंट सेकेंड, अवॉइड यूजिंग डिस्पोजल कप्स, प्लेट्स एक्सेट्रा, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग गार्बेज. हमें डिस्पोजल कप और प्लेटों को अवॉइड करना चाहिए, हमें उनका उपयोग कम करना चाहिए, जिससे हमें कचरा कम कर सकते हैं. अगर हम उन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे तो कचरा कम होगा. यूज़, पुनः उपयोग. सर्टेन थिंग्स कैन बी रीयूज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एज द वेस्ट. कई चीज़ों को हम फेंकने की बजाय उनका वापस से यूज़ कर सकते हैं, उनका पुनः उपयोग हम कर सकते हैं. पॉइंट फर्स्ट, वी कैन रीयूज एम्प्टी ग्लास एंड प्लास्टिक जार्स. हम खाली ग्लास और प्लास्टिक के जारों का यूज़ हम कर सकते हैं, वापस से हम उसका यूज़ कर सकते हैं. ओके, पॉइंट सेकेंड, टेक्स्ट बुक्स एंड मैगजीन्स कैन बी रीयूज्ड बाय पासिंग इट टू अदर्स. हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं, हमारी टेक्स्ट बुक, हम उसे पढ़ने के बाद और हमारी मैगजीन्स जो होती है, अदर बुक्स जो होती हैं, उन्हें पढ़ने के बाद हम हमारी बुक्स को किसी और को दे सकते हैं, अपने जूनियर्स को दे सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए. हम हमारी बुक को किसी और को पढ़ने के लिए पास कर सकते हैं. ओके, पॉइंट थर्ड, वी कैन गिव द क्लॉथ्स एंड टॉयज दैट वी डू नॉट यूज टू द नीडीज सो दैट दे गेट रीयूज्ड. हम हमारे कपड़े और खिलौनों को किसी को दे सकते हैं जो इन सब चीज़ों की, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं. हम अपने कपड़े और अपने खिलौने उनको दे सकते हैं, तो हमारे जो कपड़े हैं और खिलौने हैं वो रीयूज़ हो जाते हैं, वो उपयोग में आ जाते हैं. ओके, रिप्लेस बदलना. ट्राई टू रिप्लेस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स दैट वी यूज़ विद द बायोडिग्रेडेबल वंस. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ में हम यूज़ करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हमें उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. फर्स्ट, यूज़ क्लॉथ्स
क्लॉथ बैग्स और पेपर बैग्स इंस्टेंट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स के बजाय हमें कपड़ों के बैग और कागज़ के बैग का यूज़ करना चाहिए। ओके, सेकंड, रिप्लेस द हैबिट ऑफ यूजिंग डिस्पोजल प्लेट्स एंड कप्स विद द वंस दैट कैन बी रीयूज। डिस्पोजल प्लेट्स और कप का यूज़ करने की जो आदत है हमारी, हमें उस चीज़ के साथ बदल देना चाहिए जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट थर्ड, स्टार्ट यूजिंग अ पेन विच यू कैन यूज़ फॉर ईयर्स इंस्टेड ऑफ यूज एंड थ्रोन वंस। हम पेनों का यूज़ करते हैं, यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हमें यूज़ कर फेंकने के बजाय हमें ऐसे पेनों का यूज़ करना चाहिए जो सालों तक चल सके। जैसे रिफ़िल वाले पेन, उनमें हम रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो हम नई रिफ़िल डालकर यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिसाइकल। रिसाइकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल्स एंड देन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम देम। रिसाइकल का मतलब होता है कोई भी यूज़ में आने वाले आइटम का हम यूज़ करने के बाद उसे कचरे में कन्वर्ट कर देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, और उसके बाद उस कचरे में डालने के बाद उस कचरे से हम कोई भी नई चीज़ का उत्पादन करते हैं, कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम रिसाइकल बोलते हैं। किसी भी वेस्ट चीज़ से हम कोई बेस्ट चीज़ बना देते हैं, कोई भी कचरे से हम कोई नई चीज़ का उत्पादन कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम रिसाइकल बोलते हैं। ओके, फर्स्ट, थिंग्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल कैन बी रिसाइकल। कुछ चीज़ें जैसे पेपर, प्लास्टिक, पेपर कागज, प्लास्टिक, ग्लास, कांच और मेटल धातु, इन सभी चीज़ों वेस्ट होने के बाद भी उनसे नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, उनसे नई चीज़ का उत्पादन किया जा सकता है। ओके, पॉइंट सेकंड, कलेक्ट दिस थिंग्स सेपरेटली एंड गिव देम टू द वेस्ट कलेक्टर। हमें चीज़ों को अलग से इकट्ठा करना चाहिए और हमें वेस्ट कलेक्टर्स, जो वेस्ट कचरे को इकट्ठा करते हैं, उन्हें दे देना चाहिए। ओके, ए पॉइंट, रिसाइकल हेल्प इन सेविंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज। रिसाइकल की जो प्रोसेस होती है वो हमारी प्रकृति नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने में मदद करती है, बचाती है। बी, इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट जनरेशन। यह उत्पृत कचरे को कम करने में मदद करता है, जो कचरा का उत्पादन होता है उसे कचरे को कम करने में हेल्प करती है रिसाइकल प्रोसेस। ओके, अवर चैप्टर 21 इज कंप्लीटेड। ओके।